मैंने बार बार अपने साथियों से साथियों को सलाह दिया था कि करना क्या है। जिंदगी छोटी है, कुछ कर जाओ, लेकिन करने के जगह पर लोग बोलने लगे। इसलिए जो संगठन खुद जिसका नेतृत्व करते हो बड़ा नहीं हो पाता, और जिस मकसद के लिए संगठन बनता है वह पूरा नहीं हो पाता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सामाजिक संगठन वाले आते हैं पूरे देश से। अब मैं अपने मुंह से कहूं तो ठीक बात नहीं, लेकिन यह कहा जाता है कि दिल्ली में जितना मैं लोगों से मिलता हूं प्रतिदिन उतना शायद कोई नहीं मिलता है। तो मैं बहुतों से पूछता कि आप कुछ करते हो, तो उसमें से आधे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम ये सामाजिक संगठन चलाते हैं, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन जो भी है वो चलाते हैं। तो मेरा यही उनसे सवाल होता है कि अगर आपने संगठन का निर्माण किया है तो भलाई के लिए किया है। आखिर में संगठन बनाया जाता ही है भलाई के लिए, एकता कायम ही की जाती है रक्षा के लिए, और जो संगठन बनाया वही पीड़ित है। तो फिर संगठन बनाया क्यों? मैं लोगों से पूछता हूं कि फिर संगठन बनाया क्यों? जब तुम स्वयं पीड़ित हो तो जिसके लिए संगठन बनाए हो, जिस समाज के लिए बनाए हो, जिनको सदृश बनाए हो, उनकी क्या उनकी रक्षा कैसे कर सकते हो? अब इसका फायदा लोग ले रहे, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जागृति बढ़ी है, संगठन ज्यादा हुई, अनपढ़ समाज तो संगठित हो भी जाता है, ये पढ़ा लिखा समाज भी मुख्तलिफ संगठनों में बढ़ जाता है, जिसके वजह से ताकत हमारी कमजोर होती जा रही, धीरे 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 कमजोर होती जा रही। आश्चर्य होता बैकवर्ड के ऊपर, बहुत आश्चर्य कि बड़े मुश्किल से 27% आरक्षण मिला, 10-11% तक भी नहीं पूरा हुआ, उसके पहले खत्म कर दिया गया भर्ती, और फिर भी सड़क पर नहीं उतरते, फिर भी लड़ाई नहीं लड़ते। पृष्ठभूमि की लड़ाई SC ST ने लड़ी थी, भले जनता दल की पार्टी ने बीपी मंडल कमीशन बनाया और बीपी मंडल जी ने कमीशन दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं श्रेय देता हूं मंडल कमीशन की लागू करने की लड़ाई को तो काशीराम जी को देता हूं। मानसेव के माध्यम से संसद का 28 दिन का घेराव किया था। जब मंडल कमीशन के मुद्दे में जान आ गई तो बीपी सिंह जी ने इसको लागू किया था, और लागू उन परिस्थितियों में किया था जब समर्थन कम हल्का हो गया था, उनका समर्थन कम हो गया था जब चौधरी देवीलाल जी निकल गए थे, इन परिस्थितियों में लागू हुआ। प्लेट पर मिला है, प्लेट पर मिला हुआ वो भी नहीं संभाल पा, साहू समाज है, तेली समाज है, गुर्जर समाज है, यादव समाज है, जातियों के संगठन किसके नहीं होते। मुझे उस समय पहले आगरा से दावत आया, हर साल आग्रह आता है कि 101 जोड़े की शादी में करा, या वो लोग करा रहे हैं, आप आइए। हमने कहा कि मैं आऊं या ना आऊं, आप शादी कराएं या ना कराएं, उनकी शादी हो ही गई, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिसमें मेरे ही आने से तो मुझे उस काम के लिए छोड़ दीजिए, शादी आप कर लीजिए, ये हमारा समय न लगता।
किस जाति में ऐसे 10-20 सूरमा नहीं होते जो पूरा जीवन जाति को इकट्ठा करने में लगाए रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, देखो हमारी जाति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। लेकिन उस जाति को अधिकार किसने दिया? माँ बाप बच्चे के जन्म दें, उससे भी बड़ा वो होता है जो बच्चे को अधिकार दे और सम्मान दे। इसीलिए दलित समाज के जो समझदार लोग हैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। हम तो कुत्ते बिल्ली की तरह इस देश में जिंदगी जीते। आदमी अपने हाथ से टट्टी साफ कर सकता है, अपना मन मूत्र साफ करता है, दलितों को नहीं छू सकता था। उस परिस्थिति से निकल गया मैं, और पिछड़े समाज के लोग भी सबके साथ करीब करीब यही हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर या दलितों की स्थिति 200 वर्ष पहले क्या हुआ करती थी? कमर में झाड़ू बांध करके निकलते थे ताकि पांव के निशान मिट जाए, उस पर जब कोई सवर्ण चले तो अपवित्र न हो, हड़िया बांध के चलते थे गले में कि थूके तो हड़िया के अंदर थूके, रास्ते में थूकेंगे तो सवर्ण जब आएगा तो अपवित्र हो जाएगा। वो इसी समाज में, इसी देश में, और तब भी हम पैदा होते थे, तब भी हमारे पूर्वज अपने बच्चों को पैदा करते रहे। तो वो महानता है कि वो बड़ा काम है जिसने उन बच्चों को सम्मान दिलाने का काम किया। पैदा करना बड़ी बात नहीं, माँ बाप की अपनी खुद की खुशी ज्यादा होती है, खुशी के लिए पैदा कर, लेकिन उसे नौकरी दे सके, सम्मान दे सके, इज्जत दे सके, ये काम किसने किया? ये काम जो करा वो महान। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके जरिए एक समाज में बदलाव आया। सिकंदर के हमला के बाद से इस देश में जितने हमला हुए सब सफल रहे, और कहा यही गया कि कभी हमारा हाथी धोखा दे दिया तो कभी घोड़े भाग गए, तो कभी हमारा जो तीर कमान था उसमें जंग लग गई, तो कभी पानी बरसात होने लगी तो हमारे हाथी जवाब दे दिए, तो कभी हमारे तो भीग गई, तो कभी पता लगा सेनापति बिक गया। यही कारण ये बताए जाते हैं भारत के पराजय। मैं बाहर वालों को इतना दोष नहीं देता हूँ जो भारत जो आकर के गुनाम बने, मैं उनको ज्यादा दोष देता हूं कि जिन्होंने समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और जिसकी वजह से समाज कमजोर हुआ, देश कमजोर हुआ। बाहर वाले आसानी से आकर के हुकूमत की उनकी क्या गलती? दो पड़ोसी हैं, पड़ोसी कमजोर हो, एक कमजोर एक मजबूत, मजबूत वाला तो दबाए, बड़ा भाई हो तो एक भाई मजबूत तो दूसरा कमजोर तो दबाएगा। तो जब हम ही कमजोर थे तो कोई ना कोई फायदा तो उठाएगा, तो वैसे ही इस देश के अंदर हुआ। मैं उदाहरण दे चुका हूं, कलायुग का उदाहरण दिया कि यहां के लोगों को मलमूत्र से भी ज्यादा बदतर, यहां तक कि परछाई से भी अपवित्र हो जाते थे, और यहीं के लोग हैं जो भाड़े पर पूरी दुनिया में लड़ने गए। मैं कुछ दिन पहले दर्पण गया, दर्पण में 15 लाख भारतीय, हमने कहा इतनी संख्या में आए कैसे? तो वहां के जो लोग थे कहा कि दर्पण में गन्ना बड़ा अच्छा पैदा होता था, गन्ने की खेती बहुत होती थी, तो अंग्रेज जो अफ्रीकन थे उनसे गन्ने की खेती कराना चाहते थे, लेकिन वो तैयारी नहीं हुई। तब भारत के लोगों को पकड़ के ले गए और इनको जहाजों में पकड़ के ले करके कभी मॉरिशस में,
कभी न्यू पापुआ गयना में, कभी साउथ अफ्रीका में, कभी कहाँ गिरबिटिया इनको कहते थे, इनको लेके गए और ये चले गए। एक काम करती अफ्रीकन काम नहीं की, ये केवल जाति की वजह से हुआ है। जब जाति के प्रति आदमी की प्रतिबद्धता होती है, लगाव होता है, तो समाज और देश के प्रति उसके अंदर प्रेम नहीं रह जाता। वो जुबान में प्रेम है, शब्दों में प्रेम है, लेकिन असली में नहीं होता, इसीलिए देश गुलाम होता है। इसमें हमारी गलती नहीं, हमने जातियों में नहीं पाया। जात तोड़ने का प्रयास तो अभी भी हम लोग करते हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाले नहीं जोर तोड़ेंगे तब तक हमारे प्रयास से संभव नहीं है। अब कुछ लोग भारत को महान बनाना चाहते हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं, महान बनाने का तरीका क्या है? अमेरिका में दुनिया का कोई भी जाति, कोई भी वर्ग जाके बस जाता है और अमेरिका का झंडा लेकर के खड़ा होता है। हम यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? यहां तो बाहर के लोग आते ही नहीं, यही को लोग बाहर चले जाते हैं, फिर एकता क्यों नहीं होती है? तो जरूर कोई कारण, कारण है इस देश में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में कुछ ही जातियों ने जमीन की संपत्ति अपने पास रखी, शिक्षा की संपत्ति और मीडिया की ताकत, उद्योग की ताकत, न्यायपालिका की ताकत, कार्यपालिका की ताकत, राजनीतिक ताकत, सारी ताकत उनके हाथ में है। तो दूसरे जातियों में, दूसरे वर्ग में क्या असर इसका पड़ेगा, क्या वो देख नहीं रहा, क्या वो समझ नहीं रहा, क्या इससे एकता बढ़ेगी, देश एक श्रेष्ठ भारत होगा, महान भारत होगा? वो तकलीफ में तो है, कह नहीं पा रहे, मजबूरी में है, कह नहीं पा रहे, जुबान दबा के पार्टियों में रहता कि क्या करें, कहां जाए। तो इससे कल्याणकारी समाज, सुखी समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए गरीबी रेखा में सबसे नीचे है भारत, खुशी के मामले में, मापदंड में भी सबसे नीचे है, भ्रष्टाचार में एशिया में नंबर वन आ गया है। यही सारे कारण, जाति ही कारण है, और पुरुष और महिला का भेद वो भी जाति से ही निकला। दो प्रमुख कारण है इस देश के पिछड़ेपन को। अगर जब तक इन दोनों प्रश्नों को संबोधित नहीं किया जाता, इनका हल नहीं निकाला जाता, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, ये भारत चीन नहीं हो सकता, जापान नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं। हम तो अमेरिका बनाना चाहते, हम इसी, यही रास्ता है चीन बनाने का, यही रास्ता है जापान बनाने का, जो DOM है यही रास्ता है। जब हम लड़ेंगे लड़ाई तो सबको मिलेगा भागीदारी, जब सबको मिलेगी भागीदारी तो सब खुश होंगे, सबका उत्पादन में सहयोग होगा, सबका शिक्षा स्वास्थ्य में सहयोग होगा, तो भारत की GDP बढ़ेगी, तो भारत तभी चीन और अमेरिका का मुकाबला होगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शब्दों में GDP बढ़ाते रहे, शब्दों में भारत की इनकम बढ़ाते रहे, शब्दों में भारत को महान बनाते रहे, लेकिन उत्पादन में इनको भागीदारी न दे, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनकी भागीदारी न, वहां भेदभाव करें, तो कैसे देश महान हो सकता है? तो अगर देश महान होने का तरीका एक ही है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता है, वो है डॉक्टर अंबेडकर का लोहिया रास्ता, वो है फूले का है, वो तो साहू का है, जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, वही देश को अंततः आगे बढ़ा सकती है, और दूसरा कुछ नहीं बढ़ा। ये सच की बात है, 2000 वर्ष का प्रयोग कम नहीं होता, अनुभव कम नहीं होता, फिर भी पाठ या उसका लेसन नहीं ले रहे, फिर भी लेसन नहीं ले रहे। इतने प्रताड़ना के बाद
इतने जिल्लत के बाद, इतनी बड़ी गुलामी के बाद भी कुछ लोग आदत नहीं छोड़ रहे भेदभाव का, किसी भेदभाव की वजह से वो भी गुलाम है, हम ही नहीं गुलाम थे वो भी गुलाम है। तो नियम जो राष्ट्रहित में, देश हित में है, श्रेष्ठ भारत में और महान भारत माता के बनाने के लिए, एक सुखमय भारत बनाने के लिए। लेकिन साथियों, इसमें कमजोरी हमारी, मैं तमाम वक्ताओं को कह रहा था कि बात करिए काम की। अभी बात पर्चियां आने लगी बोलने की, मुझे जब भी दावत बाहर से मिलता है, इंटरनेशनल हो चाहे वो, अभी मैं टर्की से आया तो फिर अजरबैजान, फिर इधर मैं उधर, कहते हैं आप बोलते बहुत अच्छा है। हमने कहा कि मुझे बोलने किसी और के मंच पर जाने में बड़ा कष्ट होता है, दबाव होता है। मैंने 97 में अपना मंच बनाया, किसी दूसरे के मंच में जाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। तो जो बोलना चाहते हैं जिले का मंच बना के बोले, प्रदेश का मंच बना के बोले, भीड़ खुद इकट्ठा करे। शेर जो होता है शिकार करके खाता, मरी हुई मांस को नहीं खाता है। यहां मरी हुई मांस खाएंगे, आएंगे बड़ा लेक्चर देंगे, आदमी चार नहीं भाषण देंगे, आदमी चार नहीं मुर्दा मुर्दा मरी हुई मांस खाते। हम शेर, हम चाहते हैं कि शेर दिलो, हम इकट्ठा करते हैं। आज हम अपने 60-70% कार्यक्रम खुद काटते, अपने संगठन को काटते। अगर काश में कई हिस्सों में बांट देता तो देश में क्रांति कर लेता। अभी मैं मणिपुर से आया, स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ परिसंघ का, अब यहाँ कभी कहाँ और हर जगह से आती, तमिलनाडु से आ रहा, जिला से। मैं बहुतों को कोशिश करता हूँ अपने संगठन में कि संगठनकर्ता बने, लेकिन अब क्या करें, जब उनके अंदर बदलाव होगा तभी तो समाज को बदलते हैं। लोग खुद बदलाव नहीं करते और समाज को बदलने में चले। संगठन करता बगैर बने कुछ नहीं किया जा सकता। और यह आपको बार बार बता, जुबान की कोई कीमत नहीं, पढ़ने लिखने की कोई कीमत नहीं, ज्ञापन का कोई मतलब नहीं, ये लिखने पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं वो इससे पिघलने वाला नहीं है, वो पिघलता है केवल ताकत से, केवल ताकत से। जाट भाई पिघला था, कोई राजनीतिक व्यक्ति था उसको, हमारा खास तौर तो दलितों में है, अरे हमारे नेता क्या कर रहे। और जब तक यह सोच रहेगी ये दलित पीटता रहेगा, नेता क्या करे, नेता के कहने से वोट देते। जाट भाइयों के रास्ते पे चलना चाहिए, जैसे होका लेकर के और झोटा होकी लेकर खाना बांध के सब इकट्ठा करते, ऐसा सीखोगे। उम्मीद किसी और से ना करना। अब तो देखो भाव, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था किसी और से उम्मीद नहीं करना। मैं कभी किसी और से उम्मीद नहीं करता और न करना चाहिए, ये भीख मांगने के बराबर। मैं किसी के मंच पर बड़ा जोर पड़ता हूं, मेरे खुद भी अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, लोकसभा में जाना पड़ता है और वहां मुझे बदनाम किया जाता था चुनाव के दौरान कि आएंगे तो दलितों का ही काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीता तो जो जनता दरबार 5 दिन के हिसाब से मैं लगाता हूं उसमें दलित आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। इसलिए वो मजदूर वर्ग है या नौकरी पेशा वाला है, वो ना आरक्षण मकान बनाने वाला है, नहीं न उसको गन का लाइसेंस है, न उसका किसी से लाठी चलने वाली है, न मुकदमेबाजी ज्यादा होने वाली है, न कोई मेल का मामला फंसा हुआ है, न टैक्स का मामला फंसा हुआ। खैर, जहां तक लोकसभा की बात आती है, न मैं जाति देखता हूं, न धर्म देखता हूं, पार्टी भी नहीं देखता हूं, सबको एक बराबर मैं आज
वो विकास सबने मिलकर चुना है, सबका ही नहीं। तो कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। एससी एसटी ओबीसी का आदमी जब संगठन चलाता है तो वो जातिवाद नहीं, वो अपनी रक्षा के लिए करता है, अपने अधिकार के लिए करता है, वो दबंगे के लिए नहीं करता, कुंडली मार करके अधिकारों पर बैठने के लिए नहीं करता। इसलिए जातिवाद के परिधि में या पैमाने में नहीं आता है एससी एसटी का संगठन। वो जो लोग हैं जिन जो हुकूमत में है, अगर वो जाति का संगठन के नाम, वो जाति के नाम पर संगठन चलाते हैं तो वो जातिवादी संगठन हो सकता है। हमारा जातिवादी संगठन है, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए हैं, हम तो मजबूर किए हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे, हम तो उन्हीं से अपना अधिकार मांग रहे। तो यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं जातिवाद आरक्षण, अरे जितने प्रोफेसर है आईआईटी में कोई दलित है? आज ही ओजनिया को फाउंडर है एप्पल का, उसने कहा कि भारत के लोग क्रिएटिव नहीं होते, ये रट्टू होते, काय कुछ बना नहीं सकते, एक रट्टा मार के पढ़ करके नौकरी प्राप्त करके मर्सिडीज गाड़ी और अच्छा घर के लिए होते। उसका वजह है जातिवादी समाज में, क्योंकि हमें यहां खुल करके जीने का आजादी नहीं मिलती, इतनी परंपराएं हैं, इतने बंधन हैं, इतनी वर्जनाएं हैं, इतना बुरा, इतना खतर, इतना कहा जा सकता है इतना अपमानित वाला कमेंट है। एप्पल का माल सभी खरीदते हैं पूरी दुनिया में, उसके फाउंडर ने कहा कि ये भारतीय हो नहीं सकते, ये क्रिएटिव हो भी नहीं सकते, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों पर लगे रहते हैं। इतना बड़ा देश आज तक केवल दो गोल्ड मेडल, उसने उदाहरण दिया न्यूजीलैंड की आबादी मेरे लोकसभा के बराबर है, कितने गोल्ड मेडलिस्ट वहां से निकले, कितने साइंटिस्ट निकले, और उसकी क्रिकेट की टीम जब भारत के मुकाबले में खड़ी होती है तो भारत वाले बड़ा ताली बजाते हैं, या नहीं देखते कि 125 करोड़ वाले आधा करोड़ के आदमी से लड़ रहे। तो ये जो DOM है, जो लोग हैं, बोलने के ऊपर मैं कह रहा हूं, नेता बनना चाहते हो तो हम नेता बनने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप करो नोटिस, आप जिला बनो, DOM का जिला बनो, खूब बोलिए, मीडिया बुलाइए। बना बनाया मंच से कोई फायदा नहीं होगा, मान लो हम बोल भी दिए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मैं सबसे बड़ी हैरानी इस बात का करता हूं कि जो बोलने के लिए कंपटीशन करते हैं, बुरा मानते हैं अगर ना बोलने दिया जाए, उनको मिलने वाला क्या? अगर मान लो उनको बोलने यहां दिया भी गया तो उनकी तरक्की कहां होने वाली थी? तरक्की तो संगठन से हो सकती है, जनता की ताकत से ही हो सकती है, तरक्की ऐसे तो हो ही नहीं। मैं इतनी मोटी सी बात लोगों को समझ नहीं आती। कुछ लोग यहां से निकल के जाएंगे कहेंगे आप मुझे बोलने नहीं, उसको तो बोलने दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। अरे भैया तुम्हें बोलने दे दिया जाएगा तो तुम्हें कौन सा फायदा मिल जाएगा? फायदा तभी मिलेगा जब लोगों का संगठन खड़ा करोगे, लोगों को जोड़ोगे। फायदा होने का वही एक जरिया और कोई जरिया नहीं है। एक गलत फहमी में जिंदा नहीं रहना चाहिए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैं साफ साफ कर देना चाहिए। बोलने से क्या मतलब, क्या हो कि हमें बोलने नहीं दिया? अरे हम गए वहां पर, बोलने नहीं दिया, अरे बोलने भी दिया तो क्या ताकत में बन जाओ, क्या जिंदगी बदल जाएगी? जिंदगी तो बदल जाएगी, जमीन के काम से ही जिंदगी बदलेगी, संगठन खड़ा करने से ही होगा, जिला बनाने से ही होगा, प्रदेश की कम्युनिटी बनाने से ही होगा, ताकत दिखाने से ही जिंदगी बदलेगी। यही मैं लास्ट में यही कहूंगा, दलितों की समस्या, दलितों का धर्म कुछ अलग हो सकता है, बहुत धर्म, ओबीसी का धर्म कुछ और हो सकता है, मुस्लिम का धर्म कुछ और हो सकता है, लेकिन समस्या मसाइल जिसको कहते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा में भागीदारी, सरकारी नौकरियों में भागीदारी,
और विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी, अत्याचार जुर्म से बचने आज चीजें कॉमन है, सबकी लगभग बराबर है और उसके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो लाठी सबके ऊपर पड़ रही है, एक ही की लाठी सबके ऊपर पड़ी रह रही है, तो इकट्ठा होना चाहिए, वही एक प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन सकता है। आज हमारे इतने लोगों ने लिख करके दिया, अगर लिख करके आपने दिया तो निभाना, और मैं यकीन कर सकता हूं कि मुर्दे को भी मैं चला देता हूं, लेकिन मुर्दा माने तो जिंदा मानता है। मुर्दा कहने का मतलब एक मामूली आदमी को भी मैं नेता बनाया, लेकिन एक होशियार को नहीं बना पाया। होशियार सोचता कि मैं ही ज्यादा जानता हूं, जो ज्यादा जानता है उसको क्या कर सकते हो। जो आज एक परमिंदर हमारा कार्यकर्ता है, ये सीखता है, जो मैं कह दिया उसको कर लेगा। एक मध्यम वर्ग का कार्यकर्ता रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक संगठन करता बन गया। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको बनाना बड़ा, उनको समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर वो समझ जाए तो वो बहुत आगे जा सकते, लेकिन जो पढ़ लिया है, जो सोच लिया है, जो माहौल है, जो जैसा दूसरे लोग करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, अरे भाई जब तक आप काबिल में हो तब तक तो कम से कम एक एक बात जो हम कहते हैं उसको मान करके काबिल तो बन जाओ, उसके बाद मुझे मानो या न माने कोई बात नहीं, हम एक रास्ता देने का काम करते हैं। तब तक तो मान, मेरी ट्रेनिंग में कोई मात नहीं खा सकता मुझे। मैंने जाति का इस देश के अंदर बिना जाति का आधार लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। 20 साल से मैं खड़ा हुआ हूं बिना जाति आधार, 20 साल से खड़ा। एक किस जाति, जिस जाति में पैदा हुआ मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उस जाति का प्रतिनिधित्व इस संगठन में, जहां तक पदाधिकारियों की बात है, नेतृत्व की बात है, 1% भी नहीं। और कोई भी शायद ऐसा नेता नहीं होगा जिसका वो नेतृत्व करे और उसके जाति के लोगों की भरमार कर, कोई ऐसा शायद नेता होगा इस देश के अंदर कि जिसके जिसके हाथ में बागडोर हो संगठन की और उसकी उसके जाति के लोगों की भरमार हो। लेकिन यहां योग्यता से हमने चला जाए, संगठन बनाने का तरीका सीख करके चला जाए, किसी भी परिस्थितियों में खड़ा, किसी भी परिस्थितियों में कोई कमजोर नहीं कर पाया, और जाति का सहारा कतई नहीं लिया, झूठ का भी सहारा नहीं लिया। तो मैं एक अच्छे कार्यकर्ता बने, संगठनकर्ता बने, उसके लिए भी एक यह प्लेटफॉर्म मैं आपको देता हूं। मैं खुद ट्रेनिंग कर दे दूंगा आपको, और ट्रेनिंग मेरी ट्रेनिंग में कोई मार नहीं खा सकता इतना बता। तो डीएम परिसंघ की शिक्षा में अधिकारी, अब ज्यादातर तो प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, अब कॉर्पोरेशन के स्कूल और दिल्ली सरकार के स्कूल, उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल जहां अपने बच्चों को कोई भेजता नहीं, वहां दलित और मुस्लिम और माइनॉरिटी के बच्चे जा रहे हैं, वहां उस स्कूल में पढ़ना ना पढ़ने के बराबर, ये स्कूल आपके लिए हो गए। 80% 90% तक कुछ यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में सिवका थे ओबीसी रहते, 95% जो बेहतरीन शिक्षा है वो निजी क्षेत्र में जा चुकी है। उसी तरीके से नौकरियां सब निजी क्षेत्र में जा रही है। सरकार में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया है, दिल्ली में लाखों सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनको ये वादा किया गया था पक्का किया गया, नहीं किया गया। टीचर भी एडहाक पर, कंडक्टर ड्राइवर एडहाक पर, क्योंकि जब पक्का करेंगे तो आरक्षण लागू करना पड़ेगा, तब मंडल लागू करना पड़ेगा, एससी एसटी रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा,
नया पक्का करने का और निजीकरण का पीछे सबसे बड़ी ये बात है, वरना जिसको देश की बड़ी चिंता है, जिसको मेरिट की बड़ी चिंता है, देश को अग्रगणी बनाना चाहता है, अमेरिका बनाना चाहता है, तो उसको चिंता सबसे ज्यादा भागीदारी की होना चाहिए। जो लोग अपने आप को कहते हैं श्रेष्ठ भारत बनाते हैं भारत को, तो रास्ता इधर से भागीदारी से वंचित करके देश को महान नहीं बना सकते। लोग कहते हैं ना निजीकरण इसलिए किया जाए कि मेरिटोरियस लोग आएंगे, योग्य लोग आएंगे। 1% लोगों के पास 73% का धन इस देश के अंदर है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर असमानता सबसे ज्यादा है, और उस असमानता के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम इकट्ठा ही नहीं होते। अभी बिहार भरा हुआ, इतने लोग और आए, यहां 2-3 घंटा देना, चिंतन करना, अच्छी बात सुनना ज्यादा मंजूर नहीं था। अगर क्रिकेट देखने बैठ जाए तो टट्टी पेशाब भी नहीं था, 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, उठेंगे और दूसरा बुला ले तो वहां भी बैठे रहेंगे। तो एक कंपटीशन में देखे कि हमें बता दिखाना है, हम डिसिप्लिन है, हम उठ नहीं रहे, लेकिन यहां आने जाने वाला था और कुछ लोग जल्दी में थे, तो फर्क है। हमारे जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है लोगों में, वो फर्क है। मिशन की भावना नहीं, मैंने मिशन की भावना देखा, कमिटमेंट मैंने आरएसएस में देखा। कुछ महीने पहले मुझे आरएसएस के एक कमिटमेंट में बुलाया गया, मैं गया वहां, तो 400-500 लोगों का ट्रेनिंग हो रहा था। यहाँ पर मंडोली है, सेवा भारती का कैंपस, वो सब जो ट्रेनिंग करने वाले थे सबके कंधे पे झोला लटका हुआ था, एक ही कलर का था। हमने कहा झोला क्यों लटका के पहुंचे, कहा इसके अंदर थाली है, इसमें चम्मच है, बर्तन है। अच्छा, ये खाना खाते हैं और थाली अपना धो लेते हैं, चाय पिया, पानी पिया, गिलास अपने आप धोते हैं, 5 घंटी मारी जाती है, उठ जाते हैं। 2 दिन के लिए मैं रोकना चाहूं तो रोक नहीं, 25 दिन हो गए। और मुझे जिसने बुलाया, बुलाने के लिए ज्यादा दबाव डाला था, वो भी दलित था, एक दलित था, तो मैं गया तो मिले, तो हम कहा शाम को तो आप घर चले जाते, कहा नहीं शाम 20-22 दिन के बाद जाएंगे। वो दिल्ली में के ही रहने वाले, लेकिन अगर हम दलित मुस्लिम या दलित कोई काज होता तब वो शाम को उनको बड़ी जल्दी लग जाती, अरे भाई हम तो बच्चे बड़े परेशान, मुझे चाहिए। वहां 20-22 दिन 25 दिन रहो, ये है हालत, दूसरे जगह रहेंगे। तो फिर बात और बढ़ी, पूछता गया तो वहां पर जीवन में 3 बार ट्रेनिंग होती, 20 दिन की 20 दिन की, 1 महीने की, और जब 3 ट्रेनिंग दे दी जाती है तब उनको विकल्प दिया जाता है, या उनके सामने विकल्प होता है पूर्णकालिक बनेंगे या अंशकालिक बनेंगे। जो पूर्णकालिक बनता है, वो जीवन में शादी नहीं करता, उसका घर नहीं होता, उसके नाम पर संपत्ति नहीं होती, वो घर नहीं जाता, और ऐसे लोग से मिलवाए जो 30 साल से घर नहीं गए। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है लड़ाई। तो कमिटमेंट के बगैर नहीं होता। तो जिन्होंने पर्ची दी है, ये कुछ कमेंट, मैं इतना बड़ा कमेंट तो नहीं, कमिटमेंट तो मैं उम्मीद नहीं करता, हमारे ही समाज के लोग और जगह कहीं कमिटमेंट दे सकते, बलिदान दे सकते, लेकिन अपने लिए नहीं दे सकते। लेकिन कुछ तो कमिटमेंट आप करिएगा, मंच का, मंच पर जो लोग बैठे सामने बैठे, मैं आप विद इन वीक आपके जिले की गठन हो जाना चाहिए, आपकी प्रदेश कमेटी का गठन हो जाना चाहिए, जैसे हमारे ऑल इंडिया के नेता हैं, वो हैं ऑल इंडिया के हैं, सुदेश जी के साथ जो काम करते हैं, एक राज्य वो ले लें, विजेंद्र यादव जी एक राज्य वो ले लें, एक राज्य हुसैन भाई जी ले लें,
एक जावेद भाई ले लें, एक डॉक्टर अरविंद जी लो, वहां से बात करना शुरू करें, कोऑर्डिनेट करना शुरू करें। एक एक राज्य इस तरह से ले, और दिल्ली का इस तरह से हुआ, ये दो तीन महीने के अंदर पूरा देश फैल जाएगा, कहेंगे भाई कौन सी नई चीज फैला। और हमने किया है 1997 जब हमने परिसंघ बनाया, दो महीने के अंदर रैली कर दिया था पूरे देश स्तर, कर्मचारी अधिकारियों को मैदान में उतार दिया था। तो ये कभी आपका अधिकार बचेगा वरना नहीं अधिकार बचेगा। हमारे साथ आलसु कुमार गुप्ता जी हैं, हेलो, और शेफाली चौरसिया जी काम करेंगे, शेफाली जी हमेशा सक्रिय रहती थी, और मदन लाल जी, ये सब लोगों ने दिया है, रामधन पासी जी, सुरेंद्र पासवान जी, राम कुमार मिस्त्री जी, सूर्य जयप्रकाश सूर्यवंशी जी, सागर यादव जी, भजन सिंह जी, दीपक कुमार वर्मा जी, जय सिंह मनोहर जी, कमर आलम जी, सुदामा प्रसाद जी, समीर खान जी, राज बहादुर यादव जी, जयप्रकाश सिंह यादव जी, राज सिंह खटीक जी, खटीक मोहम्मद सोयब जी, पुत्तू लाल जी और राजेंद्र पासवान जी, उषा देवी जी, बलराम सिंह चक जी, आर के मुस्तफा मास्टर जी, जितेंद्र सिंह जी, सुशील कुमार चक जी, मदन सिंह जी, संपत सिंह जी, आर एस यादव जी, गुलाब रब्बानी जी, चंद्रशेखर जी, आर चंद्रशेखर जी, दौलतपाल रामपाल जी, आरपी पाल जी, बाबूलाल जी अलीपुर से, ये 50 विजय यादव जी, प्रदीप कुमार भैरवा जी, गोविंद सिंह राणा जी, बकुलुद्दीन मुन्ना जी, समय खान जी, बलराम सिंह जी, ये सारे लोगों ने वॉलंटियर अपना इच्छा जाहिर किया है काम करने का। और अभी तक 50,000 का ही डोनेशन आया है, लगभग 1,00,000 का खर्च पड़ेगा। अगर पूरा कर सके 50,000 और तो अच्छा रहेगा, आगे काम करने में हमें मुश्किलें नहीं आएंगी, वरना एक तरफ हाथ फैलाएंगे उससे जिससे लड़ाई हो रही है, और फिर दूसरे हाथ ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो यह इससे लड़ाई नहीं आगे बढ़ सकती है। बहुत छोटी सी राशि है, इसलिए मैं ज़्यादा दबाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दान देने की आदत डालो, एक आदत भी होता, शादी विवाह में कोई आदमी जाता है तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाता है, जबकि बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहिए। जब आदमी हॉस्पिटल में हो तब लेके जाना चाहिए, उससे उस समय पैसे की जरूरत होती है। मंदिर में जरूर कुछ चढ़ाता है, जबकि भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को घूस नहीं दिया जा सकता, ये आपकी आदत में, यहां अपने लिए नहीं देंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं देंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं देंगे। और जहां अधिकार नहीं, अधिकार की मांग नहीं है, योग्यता की मांग नहीं, वहां दे देंगे, क्योंकि आदत किसी और ने डाली, आपकी अपनी आदत पड़नी, आपकी अपनी आदत डालनी पड़ेगी। एक भी पैसा खर्च करो तो अपने भविष्य के लिए करो, और अपने संगठन के लिए करो, अधिकार के लिए करो। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर में जो दर्शन करने जाता है, जाए, ये उसकी अपनी इच्छा है,
लेकिन वो भगवान क्या, भगवान को क्या भ्रष्ट बनाया जा सकता है? या भगवान और इंसान के बीच में बिचौलिए की जरूरत है क्या? क्या भगवान इतना समझदार नहीं है? क्या भगवान की आंख नहीं कि देख नहीं सकता? अरे भैया वो पैसा यहां आ जाए, हम बड़ा आंदोलन कर। सोशल मीडिया के लिए कोई तैयार है क्या जो ट्विटर चलाए? नहीं, दिल्ली का हूं, आप दिल्ली के लिए जो ट्विटर चलाए, नहीं जो दिल्ली के लोग जो ट्विटर चला सके, फेसबुक चला सके और व्हाट्सएप चला सके, जितने लोग आए हुए हैं इनका एक व्हाट्सएप बनेगा, उसके बाद जिलेवाइज बनेगा, फिर ट्विटर होगा डीएम का, कौन लोग हैं जो इस काम को करेंगे? आप लोग यादव जी हैं, ये है, आप यहाँ आकर के मिल लीजिएगा एसपी वर्मा जी को, मिल लीजिएगा एसपी वर्मा जी, ट्विटर का काम, फेसबुक का पेज बनवा दीजिए डीएम का, और व्हाट्सएप चूंकि नंबर लिए जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपको, आप एसपी वर्मा जी को, इनको आप नाम नंबर लिखा करके दो चार दिन में एक सोशल मीडिया की टीम की मीटिंग कर लीजिएगा, और सोशल मीडिया ही आपको दिखा सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं दिखाएंगे। अभी पूछ रहे थे डॉक्टर अरविंद जी की मीडिया को खबर नहीं किया गया क्या? खबर किया गया, लेकिन मतलब उस तरह से कि नहीं कि 10 बार फोन करना, अगर दूसरे खबर करते ऐसी आधी ताकत होती तो यहाँ पर कैमरों की लाइन हो जाती, ऐसे मुद्दे पर न अखबार लिखेंगे न टेलीविजन चैनल। इसलिए आपका सोशल मीडिया ही सहारा है, उसी को आप मजबूत करें। और अंत में ये मैं कहूँगा जरूर, जाति सत्ता का संगठन चलाओ जरूर दोस्तों, लेकिन जाति के संगठन से आप अधिकार नहीं ले सकते। जातियों के संगठन चल आज से नहीं रहे, जातियों के संगठन नेताओं ने जो और उभारा है वो राजनीतिक ताकत को प्राप्त करने के लिए, चलिए मैं उससे भी गुरेज नहीं रखता, क्योंकि जाति को इकट्ठा करके आसानी से वोट लिया जा सकता है, मिनिस्टर बना जा सकता है, चीफ मिनिस्टर बना जा सकता है, सामाजिक लड़ाई लड़ करके सबके लिए यह अपने को मिटाने के समान होता है, बहुत कम लोग निकल के आते हैं, और मैं 20 साल से अपने को मिटा ही रहा हूं, आगे मिटाता ही रहूंगा, और मैं संसद में भी कभी मैंने आवाज नहीं बंद करी। एक उदाहरण मैं दूंगा, जेएस परदीवा जज गुजरात हाईकोर्ट के कहा कि आरक्षण से भ्रष्टाचार से देश बर्बाद हो रहा है, तो आरक्षण में तो आप सब लोग आते हैं, मैं संसद में उठा, यानी ये सुदेश यादव जी भगत जी ये देश बर्बाद कर रहे, ये वर्मा जी भी देश बर्बाद कर रहे, हम भी सब देश बर्बाद कर रहे, क्योंकि आरक्षण के लाभार्थी हम सब। मैं संसद में उठा, हमका ऐसे जज के खिलाफ अभियोग चलना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फिर एक बार नहीं दोबारा बोला, तब जाकर के उस जज ने उस पैराग्राफ को निकाला। तो संसद में भी पहले बार हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए निजी बिल पेश किया है। मैं संसद में गया हूं कोई मौज मस्ती के लिए नहीं, स्टेटस के लिए, इस समाज के लिए गया हूं, और इस समाज के लिए अगर मैं कमिश्नर इनकम टैक्स से पद से त्याग दे चुका हूं, एक मेरा इतिहास ऐसा बन गया, तो समाज के लिए कोई भी कुर्बानी की आवश्यकता होगी हम देने को।